गुड मॉर्निंग प्लसन क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा लास्ट टॉपिक जो हमारा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और इसमें जो थर्ड चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसमें हमने नोमेनक्लेचर बताई थी कि 100 के बाद एलिमेंट का नाम कैसे रखा जाएगा। ये कुछ सिंबल्स दिए थे हमने और उसके ये हमने याद रखने हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं और मेटल के नाम के पीछे IUM आ जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल। जैसे कि हम सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एन की वैल्यू शेल बताती थी, और सब शेल थी SPDF, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल में कैसे हुआ करता था आई थिंक आपको याद होगा। तो जो के शेल थी उसमें बेटा 1s का ही ऑर्बिटल था, और के शेल में ओनली 1s, फिर एल में था ओनली 2s और 2p, और के एल एम में था 3s, 3p, 3d, और के एल एम एन में है 4s, 4p, 4d और 4f टाइप के ऑर्बिटल देखने को मिलते थे। जो पीरियोडिक टेबल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम पीरियड के अंदर बात करें वो n की वैल्यू ही चलती है, डेट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, 1, 2, 3, 4। हमारे सिलेबस में वैसे तो हम 4 तक ही बताते हैं k, l, m, n, पर यहाँ पर 5, 6, 7 भी आ जाती हैं जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी। सिर्फ अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो k, l, m, n शेल के द्वारा और भी शेल इसमें इन्वॉल्व दे रखी है। अब फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, 1s1, 1s2। सेकेंड पीरियड के अंदर एलिमेंट आते हैं लिथियम से लेकर आप जो 8th एलिमेंट ले सकते हो, लिथियम बेरिलियम से लेकर आप नियोन तक ले सकते हो। यहाँ पर लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1। थर्ड में एन के लिए 3 है तो आप देखोगे यहाँ पर 2s के बजाय 3s आपको मिलेगा, या फिर अगर 2p रेंज आए तो 3p रेंज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एन के लिए 4 है तो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे 4s, 3d और 4p। मैं यहाँ पर n के लिए जो 4 है तो इसमें हमने ऑर्बिटल तो बताए थे ये वाले आएंगे, पर मैं पीरियोडिक टेबल की बात, पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं होगा ये बात ध्यान देना। पीरियोडिक टेबल में n के लिए जो 4 आती है ना बेटा तो इलेक्ट्रॉन जो हैं 4s, 3d और 4p में आते हैं। अब ये 4s के बाद 3d क्यों आया, 4d क्यों नहीं आया, कारण ये है कि जो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने करे थे इन अवो प्रिंसिपल, वो जब हम इस तरह से लाइनें बनाया करते थे, याद हो तो आपको एरो लगा कर, डेट इज रूल है अवो प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 4p से पहले बेटा 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। ये ऐसा क्यों हुआ तो इसमें एक रूल भी था, सेकंड चैप्टर में आपको मिल जाएगा, n+l रूल। एन प्लस एल रूल में एन के लिए कितनी है 3, डी में एन की वैल्यू होती है 2, यहाँ पर एन के लिए 4, पी की वैल्यू होती है 1, तो बेटा दोनों का आंसर n+l 5, 5 आ गया। तो प्रेफर किसको दिया जाता है, उस ऑर्बिटल को जिसका एन की वैल्यू कम होती है, मतलब तो 3 को, तो 4 ज़्यादा है तो 3d को प्रेफर किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले 3d में फिल होंगे, बाद में 4p में आएंगे। फिर इसी तरह 5 के अंदर 5s, 4d, 5p, फिर इस तरह 6s, 5d, 6p, फिर 7s, 6d, 7p, तो ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर हमने सारे पीरियड्स के बारे में बताया कि कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है। बेटा अगर किसी बच्चे ने सेकंड चैप्टर में कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है या नहीं समझ पाए, वो जान के नहीं करा, अपने आप को डिले करा, तो बेटा उसके लिए मे भी डिफ़िकल्ट हो सकता थोड़ा बहुत ये चैप्टर। बाकी इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सेकंड चैप्टर के लिमिटेड टॉपिक की ढंग से तैयार कर लें, जैसे क्वांटम नंबर कर लें आप, प्रिंसिपल्स कर लें वाले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, बेटा ये एनफ है आपके लिए अगर हम थर्ड चैप्टर में ढंग से पढ़ना चाहते हो तो। अब एक ट्रांजिशन सीरीज कौन सी होती है, बेटा ट्रांजिशन सीरीज कि मैं अगर मैं बात करता हूँ डी ऑर्बिटल को ही ट्रांजिशन बोलते हैं, जिनमें डी सब शेल आए, पर यहाँ पर डी सब शेल 3 to 12 होते हैं ना, 3 से 12 ग्रुप के अंदर रहती है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक हर एक एलिमेंट की अलग अलग रहेगी। अब ट्रांजिशन सीरीज की मैं अगर डेफिनेशन दूँ
जो आपको 12th तक आपको याद रखनी है, बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाते हैं जिन सीरीज में, डी ऑर्बिटल की सीरीज में इलेक्ट्रॉन सारे के सारे अनपेयर रहने चाहिए। तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए। तो अगर फुली फिल्ड है ना बेटा, वो ट्रांजिशन नहीं कहलाएगा। जैसे आप जिंक की बात कर लो, कैडमियम बात कर लो, मरकरी बात कर लो, यहाँ 3D10 आएगा हर बार, इसमें आएगा 4D10 आएगा, ये 5D10 आएगा, तो ये फुली फिल्ड है, तो ये ट्रांजिशन कहलाने के हकदार नहीं है। मतलब ट्रांजिशन उनके लिए बोला जाता है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन कम से कम एक आधा अनपेयर हो। मतलब ऑर्बिटल अगर जैसे मैं मान लो यहाँ पर डी के 5 ऑर्बिटल बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर अनपेयर होनी चाहिए लाइक दिस। जैसे मान लो ये 4 है, एक और कर दिया हमने 5, सारे अनपेयर हैं, फिर पेयर कर दिया, पेयर कर दिया, मतलब एक और कर दिया, तो 2 तो अनपेयर है ना, तो ये ट्रांजिशन कहलाएंगे। पीछे वाले कोई ना कोई अनपेयर होने चाहिए। तो डी ब्लॉक के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, n-1d1 to 10 ns0 to 2। मतलब डी ऑर्बिटल में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, और एस में 0 to 2 भी हो सकता है, मतलब 1 2 जरूर रहता है, 2 तो पक्के आने आने हैं इसमें। जितनी मेटल्स हैं मोस्टली ट्रांजिशन मेटल ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक आती हैं, सारी कलर्स आयन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो डी ऑर्बिटल को हम ट्रांजिशन बोलते हैं। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरह ये चिपक जाते हैं, मीन्स इनको बोलते हैं पैरा मैग्नेटिज्म। जो एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं डैट इज कॉल्ड पैरा मैग्नेटिज्म। मोस्टली अट्रैक्ट होते हैं स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ड्यू टू इसका कारण बताया जाता है ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जो डी के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, जैसे यहाँ पर हमने 2 लिए थे, इसी वजह से इनकी क्या रहती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है। ट्रांजिशन मेटल भी काफ़ी कैटलिस्ट के तौर पर यूज किए जाते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दें, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। अब कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, जैसे बहुत सारे कैटलिस्ट है, आयरन के कैटलिस्ट, जिंक, कैडमियम, मरकरी भी खुद भी एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा ये फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये ट्रांजिशन में नहीं रखे जाते। मैंने ऑलरेडी बताया था जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल क्या होता है, फुली फिल्ड होता है, तो ट्रांजिशन में नहीं रखेंगे। ट्रांजिशन मेटल एक तरह से ब्रिज का काम करती है, उसके हमारी पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड को अगर आप देखोगे एस ब्लॉक आता है, और राइट साइड को देखेंगे तो हम पी ब्लॉक देखने को मिलेगा। इसलिए बीच में है 3 से लेकर 12 तक, डैट इज कॉल्ड ब्रिज की तरह काम करेगा। अब सेकंड है इसके बाद इनर ट्रांजिशन सीरीज, मीन्स एफ ब्लॉक बोलते हैं, ट्रांजिशन के अंदर से निकलती हैं। जब हम लैंथेनम 57 की बात करते थे, इससे अगला एलिमेंट यहाँ पर हाफनियम आता था, डैट इज 72। बीच वाले एलिमेंट कहाँ गए, 58 से लेकर 71 तक ये बैठ जाते हैं, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, ये 4F सीरीज रहती है, आप पीरियोडिक टेबल चेक कर सकते हो। फिर एक्टिनियम 89 से यहाँ पर आता है रदरफोर्डियम 104, 104, ये बीच वाले कहाँ रह गए 92, 103, डेट इज सीरियम, सॉरी थोरियम से लवारेंसियम। तो बेटा 190 से 103 तक सीरीज को 5F बोलेंगे। 58 to 71 आएगा बेटा, 71 तक ल्यूटीशियम 4F सीरीज। तो इन्हीं को डी ब्लॉक के अंदर से निकलते हैं, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन। इनके लिए फॉर्मूला जरूर याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2। ये कुछ एक्सेप्शन केस रहेंगे 58 to 71, 90 to 103 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी। तो ये 2 टाइप की सीरीज हैं, एक तो लैंथेनोइड सीरीज बोलते हैं 4F, एक होती है एक्टिनोइड, डेट ये 5F सीरीज, 4F और 5F। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप निकाल सकते हो, ये 58 to 71, 90 to 103 रेडियो एक्टिव नहीं होते लैंथेनोइड, ये मोस्टली रेडियो एक्टिव हैं। इनके अंदर से एक एलिमेंट को छोड़कर डेट ये प्रोमीथियम, यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी होती है, या सिर्फ एक ही एलिमेंट है रेडियो एक्टिव, डेट ये प्रोमीथियम, ये ज़्यादा रिएक्टिव, ये कम होते हैं रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव देखने को मिलते हैं। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, एफ ब्लॉक तक अपना काम कंप्लीट करना, ये इसका टेस्ट जरूर लूँगा, और ये ज़्यादातर आपको इवनिंग में इसके क्वेश्चन पूछूँगा, ठीक है बेटा, इसके आप अपने तैयार कर लेना। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग।